रद्दी के बाद तूफानी बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी बाप्पा उपखंड के विभिन्न गांवों में बुधवार गुरुवार रात्रि को आए तूफानी बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। करीब एक पंखवाने पूर्व टिड्डियों ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया था। रही सही कसर बुधवार गुरुवार रात्रि को हुई तूफानी बारिश ने निकाल दी। किसान संघ के वरिष्ठ नेता भंवर लाल खिलेरी, भाजपा नेता संजय गोदारा, पंचायत समिति सदस्य रेश माराम ठेकेदार, किसान मित्र संघ के राष्ट्रीय संरक्षक सियाराम विश्नोई, किसान संघ इकाई जाम्बा अध्यक्ष महिराम सियाग, कांग्रेस नेता देवाराम सियाग ने बताया कि बाप क्षेत्र के जाम्बा, टेकरा, राणेरी, पदमीत नगर, अनुपनगर, झानसा, शिवरा, नारायण हरि नगर, मोटाई, देवलीजाल, जाम्बा की ढानी, रिंगमिल नगर, कृष्ण नगर, कला, शिरपुरा व आसपास के गांवों में तेज हवाओं के साथ ओले की बारिश हुई। ओले व बारिश के कारण खेतों में खनी बाजरा सहित अन्य फसलें चौपट हो गई। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। पीड़ित किसानों ने फसल खराबे का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। मेहराम सियाग ने बताया कि टिड्डी के बाद अब फाका भी हो गया था। फाके के कारण बन रहे अंडों से पुनः टिड्डी के पनपने की संभावना है, जिससे किसानों को बची फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। किसानों ने फाका की समस्या को भी तुरंत प्रभाव से हल करवाने की मांग की है।